तो 25 तारीख को एक फिल्म लगी थी जिसका नाम है मस्ताने, और फिल्म का बजट मात्र 20 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने अब तक लगभग 47 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। जबरदस्त क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसका जो प्लॉट है वो 1739 के टाइम पर नादर शाह एक मुगल था जो सारे हिंदुस्तान को जीते जा रहा था, साला हारने का नाम ही नहीं दे रहा था। वो साला ऐसा हो गया जैसे किसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, साली किसी से हारती नहीं थी। ऐसी कुछ नादर शाह की आर्मी का हिसाब था कि जहां जाती थी वहां फतेह कर आती थी। लेकिन उनसे कौन बढ़ जाता है? उनसे रस्ते में बढ़ जाते हैं भैया 5 ऐसे सिख जो उनकी और ये नादर शाह कहता है कि कौन है इसी जरा मुझे ने पता लगाओ, इन्हें गिरफ्तार को जीए से भी करना है, मेरे को नहीं पता, मुझे गिरफ्तार चाहिए आज शाम को। लेकिन मेरे भाई वो गिरफ्त में आ ही रहे हैं, और किस तरीके से वो गिरफ्त में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ये आपको फिल्म देखते हो जाएगा। फिल्म का प्लॉट बहुत ही जबरदस्त है और फिल्म के एक एक सीन को देख के भाई रोंगटे से खड़े हो जाते हैं मेरे भाई। फिल्म के अंदर आपको जाने पहचाने चार चेहरे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम है राहुल देव का, दूसरा अवतार बिल साहब का, और तीसरे हैं गुरप्रीत कुगी, और चौथे हैं आरिफ जकारिया। फिल्म चार लैंग्वेज में है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और तुम्हारा हिंदी। जो भी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आती हो उस लैंग्वेज में तुम फिल्म को देख सकते हो। 1739 का उस टाइम पे लोग किस तरह से उनका रहना सहना था और किस तरह की उनकी पोशाक थी उस पर काफी काफी डिटेल से और बेहतरीन तरीके से काम किया गया, और लगता है कि हाँ भाई फिल्म जो है उस जमाने की है। कुछ ऐसा चीज चल रही है स्क्रीन पे कि लगता है कि हम पहुंच गए हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी फिल्म आपको याद दिलाएगी अलादीन की, क्योंकि कुछ दृश्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें अलादीन जैसी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। 20 करोड़ के हिसाब से VFX बहुत ही सही है और अच्छा खासा है, अच्छा काम किया है VFX की टीम ने भी। तो कैसे वो 5 सिख नादर शाह की पाड़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखो भाई, सब देख रहे हैं, तुम भी देखो। हालांकि शो थोड़े कम हैं बिकॉज ऑफ अपने तारा सिंह छाए हुए हैं, और उसके बाद ओ माय गॉड, और फिर ड्रीम गर्ल, और अब अपने शाहरुख खान भाई साहब आने वाले हैं, और हो सकता है कि इतना बजट ना हो कि वो बहुत ज्यादा प्रमोशन फिल्म का करें या बहुत ज्यादा स्क्रीन पे इसको रिलीज करें। लेकिन जितनी भी स्क्रीन पे रिलीज किया मेरे भाई, फिल्म टॉप चाहिए। तो मस्ताने को आप एक मौका दे सकते हो, अच्छा मजा आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो धीर गांधी पाजी की आवाज गूंज रही है मजा ही आ गया मेरे भाई। तो बस भैया यही सब कुछ चल रहा है जिंदगी में, हम तो पिक्चर देख रहे हैं, जिए जा रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, बस बढ़िया है। लाल बटन दबाना हो तो दबा देना, रिक्वेस्ट है, और बाकी तो लाइक भाई देख लेना मेरे साथ।